बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आप लोगों को एक फ्रॉक की स्टोरी दिखाने वाली हूँ। आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में और सुनने में भी। ये जी अनस के काम चेक कर लें। ये जी मामों को उसने घोड़ा बनाया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो बैठा हुआ है, मज़े कर रहा है, झूले जो मिल रहे थे। बच्चों को ऐसे शौक तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो अनस जो है वो इंजॉय कर रहा था बहुत। तो अब जो है मामू जो है ये देखे उठ रहा है, तो ये देखें शोराज जी। अब ये मैं किचन की तरफ जा रही हूँ। ये जी आप लोग अब देख रहे हैं क्या हो रहा है किचन में। तो ये जी हस्बैंड जो हैं चिप्स बना रहे थे, तो बहुत ही मज़े की चिप्स जो हैं वो बनी थी। ये जी कुछ जो थी बन चुकी थी, कुछ जो हैं उनको बेसन अभी लगा हुआ था, कुछ जो हैं वो कढ़ाई में थी। तो ना बहुत ज़्यादा ही मज़े की चिप्स जो हैं ये बनी थी। तो हम लोगों ने इसमें बेसन, लाल मिर्च, चाट मसाला भी और जो है वो नमक जो है वो ऐड किया था, ठीक है। ये जी केचप और मायोनीज पड़ी हुई है जो हम लोगों ने लगा लगा के खानी है। तो ये चिप्स जो हैं वो बन के रेडी हो गई हैं, बस लास्ट रहती थी थोड़े से चिप्स बनने के लिए। तो फिर जो है वो सारी चिप्स जो हैं बन के रेडी हो जाएंगी और खाने में भी मज़ा आएगा, फिर हम मिल के खाएँगे। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग चिप्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो यही बस चिप्स रह गई थी जो बनने के लिए। तो मैं आपको सुनाती हूँ फ्रॉक स्टोरी। तो ये देखें जी फ्रॉक जो है वो आ गया था रूम में और समझ नहीं आ रही थी इसका निकालने कैसे। हस्बैंड ने जूता जो है वो अम्मी का पहना हुआ था और अपने जूते से फ्रॉक को ना पकड़ रहे थे, लेकिन फ्रॉक जो है वो हाथ नहीं आया और जो है वो भाग गया, वो फर्नीचर के नीचे कहीं जाकर जो है वो छुप गया। आजकल वैसे भी मेंढक जो हैं वो मौसम हुआ है निकल रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि कैसे इनको भगाया जाए, कैसे उनसे छुटकारा हासिल किया जाए, बताइएगा। हस्बैंड जो है वो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चला गया। और आखिरकार जो है ना वो मेंढक जो है वो कामयाब हो गया। अनस को कोई ख़बर नहीं है जी। आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी हो सो। अल्लाह हाफिज़।